अभी हाल ही में मैं जो है वो अपने डॉक्टर्स का, हमारा हम लोग जो है वो 96 बैच के डॉक्टर्स हैं, तो 96 बैच का हमारा एक रीयूनियन को हम प्लान कर रहे हैं। तो हम भी 30-40 लोग जो है वो भोपाल के पास में एक फॉरेस्ट है, वहां पे एक रिजॉर्ट है, उसमें हम लोग गए हुए थे। वहां सबकी गेट टुगेदर हुआ कि भाई कैसे प्लान करना है रीयूनियन को। मैं देखा कि मैंने पूछ सबके बारे में, हम लोगों ने पूछा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वो अपने अपने एरिया के टॉप डॉक्टर बन चुके हैं। कोई नरसिंहपुर में है, तो कोई सिलवानी में है, तो कोई भोपाल में है, तो कोई अहमदाबाद में है, तो कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है। सब अलग अलग जगह पर अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मेडिकल सच में अमेजिंग प्रोफेशन है कि 20 साल 25 जब हम लोगों का एडमिशन के बाद अभी तकरीबन 25 साल हो गया। सोचो यानी 96 से लेकर 96 हमारा एडमिशन ईयर था, तो सोचो आप कि और पास आउट हुए हम लोग 2001 में पास आउट हुए, 2002 में इंटर्नशिप पूरा हुआ, 2002 से लेकर तकरीबन 18-19 साल में सारे लोग जो है वो सबके अच्छे बड़े बड़े घर है, सबके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, सबके पास सब कुछ है। मतलब मेडिकल प्रोफेशन सच में बहुत कुछ देता है, मान सम्मान भी है। फोन उनके लगातार बज रहे थे कि ये पेशेंट हो गया, इसका पोटेशियम लेवल क्या अच्छा है, इस काम करो, उसको ये दे दो। जूनियर डॉक्टर से बात कर रहे थे पूरा, अधिकांश लोगों के पास अपने हॉस्पिटल्स भी है। मतलब मेडिकल प्रोफेशन जो है सच में बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैंने महसूस किया, सच में देखा मैंने कई। और मेरे बैच में से एक जो है वो एमएलए भी बना, एक लड़का विधायक भी, 4 हॉस्पिटल है उसके उस एरिए में यहाँ पे, और सिर्फ लोगों की सेवा कर कर वो विधायक बना है। ऐसा नहीं कि कोई पैसा देकर टिकट ले लिया, कुछ नहीं, लोगों की सेवा कर करके पार्टी को लगा कि भैया इससे अच्छा कोई कैंडिडेट ये निर्दलीय खड़ा भी खड़ा हो जाए तो भी जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं, मतलब आपका पैशन कहीं ना कहीं तो रोल प्ले कर